नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस की खास चर्चा तीसरे मोर्चे का कितना असर में, और मैं हूं आपके साथ शुभांगी जैन। छत्तीसगढ़ में अब तक तीसरे मोर्चे ने कोई बड़ा कमाल नहीं दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, स्वाभिमान मंच, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी राज्य में अपना पैर पसारने का प्रयास कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस साल तीसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही है। भाजपा जहां आपको कांग्रेस की बी टीम बता रही है, वहीं कांग्रेस तीसरे मोर्चे के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। यहां तीसरा मोर्चा नतीजों को तो प्रभावित करता रहा है, मगर अपनी ज्यादा ताकत नहीं दिखा पाया है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे मोर्चे के तौर पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। राज्य की सियासत का गौर करें तो साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर नए राज्य का दर्जा मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता रहा है। प्रदेश में तीसरे दल के तौर पर बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, स्वाभिमान मंच के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भी प्रभाव रहा है। इनमें से कोई ऐसा दल नहीं रहा जो विधानसभा चुनाव में जीत के मामले में दहाई के आंकड़े को छू पाया हो। राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68, भाजपा ने 15 और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बसपा के गठबंधन ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। वर्तमान में उसके विधायकों की संख्या 71 हो गई है। अब राज्य में तीसरे दल की संभावना के तौर पर आम आदमी पार्टी ने जोर लगाना शुरू कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रायपुर और बिलासपुर में आम सभा कर पार्टी के पूरे दमदार तरीके से राज्य में चुनाव लड़ने का संदेश दे गए हैं। वे 19 अगस्त को एक बार फिर रायपुर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी का कहना है कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी चुनाव में बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता को धोखा देती हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प है। इस बार छत्तीसगढ़ में परिणाम ऐतिहासिक होगा। हम पूरे प्रदेश में सरगुजा से लेकर बस्तर तक एक एक विधानसभा में बारीकी से हम काम कर रहे हैं। हर गांव, हर पारा टोला मोहल्ला तक हमारा संगठन आज बन चुका है, और संगठन के बूते और छत्तीसगढ़ की जनता के प्यार और आशीर्वाद के बूते हम चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम होगा ऐतिहासिक होगा। तीसरे मोर्चे को लेकर भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ का राजनीतिक परिदृश्य समानता दो दलों में ही बटा है। लंबे समय तक भाजपा के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास किया। जहां तीसरे मोर्चे या आम आदमी पार्टी की बात है, यह कांग्रेस को तय करना चाहिए कि केंद्रीय स्तर पर वे आम आदमी पार्टी से गठबंधन करते हैं और यहां पर वह लड़ना चाहते हैं, तो यह लड़ाई है कि नूरा कुश्ती है। यह तो कांग्रेस तय करे, आप कांग्रेस की बी टीम तो नहीं है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश ने विकास किया। अब जहां तक तीसरे मोर्चे या आम आदमी पार्टी की बात आप करते हैं, तो ये कांग्रेस को तय करना चाहिए कि केंद्रीय मामलों पे तो वे आम आदमी पार्टी से गठबंधन करते हैं और यहां वे उनसे लड़ना चाहते हैं, तो ये लड़ाई है कि नूरा कुश्ती है या इनकी बी टीम है, ये तो कांग्रेस तय करे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी तो अभी पूरे राजस्व ब्लॉक में अपने संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई है। पिछली बार तो तीसरे मोर्चे ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछली बार तो सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आम आदमी पार्टी तो अभी पूरे राजस्व ब्लॉक में अपने संगठन तक को नहीं खड़ा कर पाई है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कोई चुनौती तीसरे मोर्चे की है। पिछली बार भी तीसरे मोर्चे ने यहाँ पे बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई सफलता विशेष नहीं मिली थी। और विशेष तौर पे जो आम आदमी पार्टी है, तो पिछली बार तो 90 विधानसभा में क्षेत्रों में इनकी जमानत जब्त हो गई थी। बहरहाल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में बसपा क्षेत्र विशेष में सक्रिय है। JCCJ, CPI, गोंडवाना गणतंत्र जैसी पार्टी अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ रही है, वह यहां से सियासी गणित बिगाड़ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे मोर्चे की राजनीतिक दलें छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में से किसकी समीकरण बिगाड़ती हैं या बनाती हैं।
रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस पैनल में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ी हैं जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगी। वंदना जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। और हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहला रुख वंदना जी आपसे करना चाहूंगी। वंदना जी, देखिये, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। 19 अगस्त यानी कि कल अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी का सबसे मुख्य चेहरा माने जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी पार्टी के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी के आने से? देखिए, यदि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में यहाँ सिर्फ दो मुख्य पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इन्हीं दोनों की पार्टी के बीच में मुकाबला हम देख सकते हैं और हमेशा ये होते आ रहा है। रही बात आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अभी उन लोगों का संगठन खड़ा नहीं हुआ है। और पिछले समय हम याद करते हैं, पिछले विधानसभा में पूरे 90 विधानसभा में लोग लड़े थे, इन लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। और जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, और थोड़ा सा जनता इन पर विश्वास करने की शुरुआत ही की थी। लेकिन इसके जो कप्तान है वो भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ गए और उनके चेहरे पर जो है आज दाग लग चुका है, तो जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का कोई दाल गलने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जनता के पास जा करके जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया है। हम जनता के बीच में लगातार 5 साल रहे हैं। जनता को सब समझ आती है कि चुनाव के नजदीक आते आते कितनी पार्टी आती है और कौन कौन जनता के हितेशी है और कौन जुमलेबाजी करते हैं, ये जनता बहुत अच्छे से समझती है। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, आप समर्थन मूल्य में किसानों की जो धान का खरीदी कर रहे हैं, 65 लघु वनोपज की खरीदी हो रही है, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अस्पताल में बेहतर सुविधा दे रहे हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए हम 10 जो नए आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं, 269 आत्मानंद के अंग्रेजी जो स्कूल का उद्घाटन हुआ है और उसमें पढ़ाई भी चालू हो गया है। मतलब आप उसमें इतनी फैसिलिटी देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल में भी इतनी फैसिलिटी आपको नहीं दिखेगी। और यहाँ तक कि हम युवाओं की बात करते हैं, जो 2500 रुपए उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, रोजगार के लिए हम अलग अलग क्षेत्र में उन लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं काम करने के लिए। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में तो कांग्रेस सरकार काम कर रही है, इन लोगों के पास मुद्दा क्या है? और रही बात भारतीय जनता पार्टी, बहुत बात करती थी ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बार मोदी सरकार जनता के पास कौन सी मुंह लेकर के जाएंगे भाई, खासकर महिलाओं के पास? क्योंकि गैस सिलेंडर 1200 रुपए के पास अगर हम बात करते हैं, यूपीए सरकार में हमको 400 रुपए मिलती थी तो बहुत चिल्लाते थे। सिर्फ मेरे को आप एक बार सत्ता में बैठने दो, 100 दिन में महंगाई कम करके दिखाऊंगा। 9 साल हो गया भैया, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लगाम लगाने वाला का पता ही नहीं है। और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देने का वादा मोदी जी ने किया था, क्या हुआ? पैसा तो नहीं आया, लेकिन जो खाता में पैसा था वो भी चला गया। ये भी मोदी जी के जुमलेबाजी। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात किए थे, किसानों का दुगुनी जो इनकम है दुगुनी कहां से हुआ? बल्कि आप देखेंगे कि किसान जो खेती में जो उपयोग करता है, चाहे ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर का जो मूल्य है, उनके जो पुर्जे हैं वो महंगे कर दिए, जो फसल उगाने में ये लोग जो कीटनाशक दवा का उपयोग करते हैं उसको महंगे कर दिए, और पेट्रोल डीजल को महंगे कर दिए जो किसान उपयोग करते हैं। तो किसानों की इनकम तो कम है लेकिन खर्च बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, तो 9 साल में कितना हुआ भैया? 18। तो 18 जो है करोड़ युवाओं को बेरोजगारी से रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। तो कौन सी मुद्दा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के पास जाएगी? रही बात 15 साल की जो भ्रष्टाचारी रमन सिंह की सरकार है, जनता ने तो उसे नकार दिया था, क्योंकि रमन सिंह ने भी वादा खिलाफी किया था जनता के पास। प्रत्येक आदिवासी परिवार को के एक एक बच्चों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वो भी जुमलेबाजी निकला। प्रत्येक किसान परिवार को एक एक जर्सी गाय देने का वादा किया था, 3 बार मौका मिला अपना वादा पूरा करने का, लेकिन उसमें भी उन लोग जुमलेबाजी किए।
बोनस देने की बात की थी जब चुनाव आता था, एक साल का बोनस देते थे, बाकी समय में गायब हो जाते थे। राजीव जी, विपक्ष को भी सुन लीजिए, समझती है जी। बिल्कुल राजीव जी, देखिए लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं और देश की जनता भी कहीं ना कहीं हर बार यही बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ा दी है। और हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी की, वो भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार जो आम जनता है वो महंगाई से त्रस्त है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही बयान आ रहा है। सवाल पूरा सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही बयान आ रहा है कि पहले वादे किए जाते हैं और जब सत्ता में सरकार आती है तो जनता को धोखा दिया जाता है। क्या कहेंगे राजीव जी? जी जी, पहले तो मैं इस पर आता हूँ कि आपके आज बहस का मुद्दा है कि तीसरा मोर्चा कितना प्रभावी है। दूसरा आपका और वंदना जी का प्रश्न है, प्रति प्रश्न है कि महंगाई को लेकर क्या कहना है। तो देखिए, महंगाई देश में आज नहीं है, अंग्रेजों के समय से लेकर देश काल वातावरण जब बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तब आती है, या आयात निर्यात की वजह से महंगाई पड़ती है। और रही बात, अगर आप पूरे विश्व परिदृश्य को देखेंगे तो पूरे विश्व में ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका से लेकर तमाम जितने बड़े देश, विकसित देश और विकासशील देश और छोटे देश, तो वो गरीबी की रेखा में आ गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। और लगातार बाढ़ होने के बावजूद और कोरोना काल के बावजूद भी भारत ने महंगाई को स्थिर किया है। थोक महंगाई सूचकांक और रिटेल जिसे कहते हैं कि महंगाई सूचकांक, उसे स्थिर किया गया है, हमने आयात किया वक्त पर। तो ये बात करना गलत है कि बहुत हुई, हमने महंगाई को रोका है, महंगाई डायन को। देश की वातावरण ऐसी थी, हमने देश को वेनेजुएला नहीं बनने दिया, हमने देश को ब्राजील और ब्रिटेन बनने नहीं दिया कि वहां सरकार इसलिए गिर गई तीन बार क्योंकि महंगाई और अस्थिर आर्थिक नीति की वजह से। लेकिन आज दो बार की जो स्थिर सरकार है उसने महंगाई को रोक के रखा है और देश की आर्थिक स्थिति आज स्वर्णिम काल में है। दूसरी बात, जो कांग्रेस का 5 साल का कुशासन है उसमें किसी तीसरे मोर्चे की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट विजय नजर आ रही है। कांग्रेस ने अगर काम किया है तो 3 काम किया है, भय, भूख और भ्रष्टाचार। भयंकर भ्रष्टाचार किया है, अपने राजस्व जो शराब घोटाला किया है, 2000 करोड़ रुपए जो राजस्व में आना चाहिए था उस 2000 करोड़ को इन्होंने दिल्ली और बेंगलोर में बांट दिया, लेकिन आम छत्तीसगढ़ी के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने रेत का घोटाला किया, इन्होंने रेडी टू ईट का घोटाला किया, छोटे से बच्चे से लेकर वृद्ध आदमी तक को किसी को नहीं बख्शा। अब जनता कहती कि बस करो, अब जनता आती है। रही बात जो आपका विषय है आज इस डिबेट का कि तीसरी मोर्चा, मैं नम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ में संयुक्त मध्य प्रदेश से लेकर आज तक तीसरे मोर्चे की भूमिका रही है, वो राजनीति परिदृश्य में रही है। अगर हम एनसीपी की बात कर लें, जब छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य था तो विद्याचरण जी शुक्ल के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे ने 7% वोट लिया था। और जो अजीत जोगी जी की सरकार अभी जिस प्रकार से बड़बोलापन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम भाजपा को 8 वोट में रोक देंगे, 10 सीटों पे रोक देंगे, वैसे ही वो भी बड़बोलापन करते थे। लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एनसीपी को 7% वोट मिला। अभी पिछले बार बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता पार्टी ने भी वो किया, उन्हें लगभग 5% वोट मिला और 5 सीटें मिली। तो निश्चित रूप से हर पार्टी का चुनावी के जो समर में उनका काम रहता है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है वो मैं नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। कुछ कुछ क्षेत्र में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, लेकिन चूंकि एनडीए जो इंडिया है उस इंडिया की घटक दल बन गई है आम आदमी पार्टी, तो जनता ये भ्रमित है कि कांग्रेस की बी टीम है या कांग्रेस की छाया टीम है। तो चूंकि दिल्ली में आप एक साथ हैं और छत्तीसगढ़ में आप अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मतदाताओं को वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता पढ़ी लिखी जनता है। छत्तीसगढ़ के जो मतदाता बहुत जागरूक है, वो 3 स्पष्ट जनादेश, 2003 का जनादेश, 8 का जनादेश, 13 का जनादेश स्पष्ट रूप से भाजपा को देती है। चलिए राजीव जी, हमारे साथ आपके प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपके प्रवक्ता विजय झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। विजय जी देखिए, आपकी पार्टी जो है वो ऐतिहासिक परिणाम की बात कर रही है। आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में एंट्री कर रही है, क्या मुद्दे रहेंगे?
देखिए हमारा मुद्दा चुनावी घोषणा पत्र नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी गारंटी कार्ड दे रहे हैं, जो जो काम दिल्ली और पंजाब में हुआ है वो सब काम छत्तीसगढ़ में करके बताएंगे। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा आसानी से बोल रहे हैं कि आप पार्टी का कोई वजूद नहीं है, आप पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में बंद है। अरे हमारे नेताओं को तो नरेंद्र मोदी ने बंद किया, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में कितने अधिकारी जेल में बंद है थोड़ा नाम तो देख लो। और बता दूं कांग्रेस पार्टी में साहब छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेसियों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। इनका हर फ्लेक्स देख लीजिए, भूपेश है तो भरोसा है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं है, टीएस सिंहदेव पर भरोसा नहीं है। ये बोल रहे हैं बेरोजगारी भत्ता दिए, साहब आपका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देते समय रो रहे हैं कि मैं तो बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूँ, नौकरी देता तो बहुत अच्छा होता। आपको किसने रोका सर नौकरी देने के लिए? छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को गोबर बिनवाया हो गोबर, अब आपकी पारी आ गई है। बेरोजगारी भत्ता दे करके उनको झोटू राम बना गया, 18 लाख बेरोजगार है, 2 लाख लोगों को भी आपने नहीं दिया बेरोजगारी भत्ता। कुल मिलाकर के इनका अंतिम समय आ गया है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली और पंजाब में चुपचाप झाड़ू छाप आ गया अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को। लोग बोलते थे दिल्ली और पंजाब में सरकार नहीं बनेगी, हमारे गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के क्षेत्र में केजरीवाल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया साहब, 41 लाख वोट मिले हैं, 35 सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है और 5 विधायक जीते हैं, तब हम राष्ट्रीय पार्टी बनके आज हिंदुस्तान में सीना तान के घूम रहे। तो आप पार्टी को इतना आसान मत समझो, 3 महीने की बात है, दिवाली होने दो, रिजल्ट देख लेना, ज्यादा स्वप्न में मत रहिए। कांग्रेस पार्टी ने कितना धोखा दिया है ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। इसलिए हमारे कल आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी रायपुर आ रहे, 2 बार आए थे, दोनों पार्टी में तहलका मच गया था, कल वो गारंटी कार्ड देने आ रहे हैं। ये लोग बोलते हैं हमने इतना मांग पूरा कर दिया। छत्तीसगढ़ में शिक्षक लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, आज जेल भरो आंदोलन था, उनको गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ की महिलाएं विधवा 9 महीने तक बूढ़ा तालाब में अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठी थी, कांग्रेस के नेता लोग मुख्यमंत्री को जाके मिला दिए और मुख्यमंत्री बोलते हैं आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा, उसका पति मरा है, उसका बाप मरा है, क्यों अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा? तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का लाभ तीसरे मोर्चे के रूप में दमखम के साथ छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुपचाप झाड़ू छाप। चलिए कांग्रेस पार्टी से ही प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वंदना जी क्या कहेंगे आप? पार्टी दावा कर रही है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में काम किया गया है, जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी सत्ता में आई, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी सत्ता में आएगी, क्या लगता है? गारंटी कार्ड दिया जा रहा है, कल अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं छत्तीसगढ़। देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि 2014 से लेकर के 2018 के बीच में नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में 5 बार दौरा किया था। 5 बार के दौरा में जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 सीट में सिमट गई थी। और अब अरविंद केजरीवाल या उनके जो भी बड़े नेता है वो आए, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि भूपेश बघेल का जो दमदार चेहरा है उस चेहरे के सामने में नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, अरविंद केजरीवाल का, सबका जो चेहरा है वो फीका पड़ रहा है। ये केंद्रीय नेतृत्व भी, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व इस चीज को स्वीकार करते हैं, इसीलिए तो आज भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के जो माथे पर पसीना जो टपक रहे इसके मेन कारण है भूपेश से तो भरोसा है। तो मेरे जो आप पार्टी के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि सिर्फ भूपेश पर भरोसा है बाकी पर नहीं, तो उनकी समझ का फेर है, मैं उनको समझाना चाहूंगी। देखिए घर का जो मुखिया होता है उस मुखिया का नाम लिया जाता है, कोई बच्चे लोग का नाम नहीं लेते या कोई अदर उनके भाई बंधु उसका नाम नहीं लेते। राहुल गांधी बच्चा है, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी बच्चा है, बोल रहे बधाई हो बधाई हो, तो जनता भी बोल रही है, इस चीज को जनता भी स्वीकार करती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 साल में ऐतिहासिक काम किया है, जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाए वो 5 साल में काम कर लिए। तो यहाँ पर किसी की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि 5 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 90 विधानसभा में जाकर के जनता से मुलाकात किए, भेंट मुलाकात में हर एक व्यक्ति से मुलाकात करके समस्या सुनते थे, समस्या का समाधान करते थे। ऐसे पहले मुख्यमंत्री जनता के पास गए, सबसे बड़ी बात चुनाव आया, चुनाव नजदीक आते ही लोग जनता की याद आती है, लेकिन चुनाव के बाद जब यदि सत्ता मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी को भी देखे हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बात करते थे,
जनता को भूल जाते थे और आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको तो पूरा के पूरा वोट बैंक मानती है भारतीय जनता पार्टी। महंगाई से राहत अगर दिला दिए तो मेरे को बता दे राजीव जी, बहुत बात करते थे ना क्यों यूपीओ गवर्नमेंट के समय क्यों विदेश में कितना महंगाई रहती थी, हमने तो कभी कंपेयर नहीं किया, लेकिन आपकी सरकार ही कभी आपको अमेरिका याद आ रहा है, पाकिस्तान याद आ रहा है, क्या नरेंद्र मोदी जी ने कहा था क्या कि 100 दिन की महंगाई कम करने पर अगर हम देखते हैं। राजीव जी देखिए लगातार महंगाई की बात उठ रही है, क्या लगता है आप ये दावा कर सकते हैं आज हमारे चैनल पर अगर आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती तो महंगाई कम की जाएगी? जो आम जनता परेशान है, लगातार केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे, तमाम वीडियो वायरल होते हैं, टमाटर के भाव बढ़ गए हैं, लोगों के घरों में टमाटर नहीं आ पा रहा है, क्या लगता है आपकी सत्ता छत्तीसगढ़ में आ जाती है सरकार में महंगाई कम करेगी आपकी सरकार? आज टमाटर का रेट 50 रुपए जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कम करेंगे कि ये जो महंगाई होती है डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति, जब राज्य सरकार का भी दायित्व रहता है कि जब महंगाई की सूचकांक बढ़ती है तो थोड़ा सा वैट कम कर दे, जो डीजल और पेट्रोल के लगने वाला वैट है 10 पैसे कम किए और दूसरी सरकारों ने 10 रुपए कम किए थे, हमारी केंद्र सरकार ने 10 रुपए कम किया था, जो सेंट्रल वैट होता है 10 रुपए बढ़ाया भी कितना था राजीव जी, कम किया था तो बढ़ाया भी कितना था, ये मजाक नहीं बढ़ाने के बाद कम किया गया। और मैं अब और बात बता दूं, अगर मान लीजिए डिमांड और सप्लाई में कम है तो राज्य सरकार के पास भी अपने सहकारी संस्था है, उस माध्यम से वो आयात कर सकती है, दूसरे जो सेंट्रल की जो क्रिप्को है, कृषि उत्पाद समिति है, या दूसरे वहां से खरीदी करके उस डिमांड और सप्लाई को हटा सकती है, लेकिन राज्य सरकार को उसकी चिंता नहीं है, राज्य सरकार ठिकरा फोड़ती है। तो आप बताइए टमाटर महंगा था तो क्यों नहीं राज्य सरकार बेंगलुरु से और बाकी राज्यों से टमाटर लाके उसको उपभोक्ता भंडार के माध्यम से बंटवाई नहीं, क्यों नहीं प्याज और टमाटर? बिल्कुल वंदना जी जवाब जी बंद कर दिया राजीव जी, जवाब ले लेते हैं टमाटर की बात जी, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। देखिए टमाटर की बात आई है राजीव भाई, और टमाटर के दाम कम हो गए हैं, वो झेल रहे हैं किचन में, अभी टमाटर के दाम 50 रुपए पर आ गए हैं, वो इसलिए आया है कि डिमांड और सप्लाई कम हो, जो डिमांड था वो राजीव जी कितने महीने के बाद 50 किलो पर आया, 800 रुपए किलो पर, 800 रुपए किलो के पार हो गया जो जीरा। देखिए 40 वर्ष पहले आर के लक्ष्मण ने टमाटर पे व्यंग कार्टून लिखा था, आज से 40 वर्ष पहले, तो ये वो चलिए समय का अभाव है, आप पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव जी वंदना जी हमारे साथ आपके प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विजय जी आपकी पार्टी दावा कर रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में विकास के दावे किए गए, छत्तीसगढ़ में आपके क्या दावे करेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या मुद्दे लेकर आप उतरेंगे, छत्तीसगढ़ में अलग मुद्दे रहेंगे या वही मुद्दे लेकर आप छत्तीसगढ़ में एंट्री कर रहे हैं? विजय जी छत्तीसगढ़ में वो मुद्दे रहेंगे जो पंजाब और दिल्ली में करके दिखा चुके हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारी ये वंदना मैडम बोल रही थी कि मुखिया है भूपेश बघेल, जिसलिए मुखिया का नाम रहेगा घर में, बच्चे का नाम नहीं रहेगा, तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये बच्चे हैं क्या? आम आदमी पार्टी निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य और निःशुल्क बिजली बिल दे करके छत्तीसगढ़ का विकास करेगा, विनाश करने वालों को छत्तीसगढ़ की जनता जा रही है, कांग्रेस सरकार ये सारे चीजों नहीं ले रही है, आत्मानंदी स्कूल आपका नकल है, अरे सुन लो, आत्मानंदी स्कूल आपका नकल है केजरीवाल जी का। विजय जी आप देखिए आप लोग एक पैनल पर बैठे हुए हैं, विजय जी देखिए एक पैनल पर बैठे हो, आप लोग अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आराम से दर्शक भी आपको सुन सके इस तरीके से। 15,000 रुपए लिया जाता वार्षिक शुल्क, विजय जी मेरा कहना है मैडम हम जब बोल रहे उनकी बात तो मैं सुना हूँ ना, हाँ बिल्कुल जी, चाहते हमारी बात को सुने तो जी जी कहिए अपनी बात पूरी कर लीजिए, बीच में मत बोलो जी जी। तो हमारा कहना है कि निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य और निशुल्क बिजली बिल दे करके तो कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस दे रही है, पहले से दे रही है, नहीं दे रही है आत्मा, फिर बीच में बोले, फिर बीच में बोले आत्मानंद स्कूल नकल है। विजय जी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि निशुल्क बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है रोजगार? देखो ये पब्लिक है, सब जानती है, बोलने दो, किसी का मुंह मत बंद करो, ये जनता जानना चाहती है ना भाई, नया क्या है आपके पास? कुछ नहीं समझ रहे क्या? नए दावे की बात की जा रही है, कौन से नए दावे रहेंगे?
जी विजय जी नए दावे की बात हूं, हमारा आत्मानंद स्कूल का नकल है छत्तीसगढ़ में, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, महिलाओं को 1500 रुपया महीना, और भारत के संविधान में लोकतंत्र की हत्या करने वालों को खत्म कर दिया जाए। चलिए विजय जी, वंदना जी, राजीव जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आप तीनों मेहमानों का, वंदना जी, राजीव जी, विजय जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ पैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एंट्री कर ली है और कल 19 अगस्त को अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में दौरा करने जा रहे हैं, गारंटी कार्ड लेकर आ रहे हैं, तमाम दावे और वादे के साथ छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी की ये एंट्री कितनी अच्छी साबित हो सकती है। तो देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, नमस्कार।